हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि जो भी हम चाह रहे हैं नहीं हो पा रहा है, या मोस्टली थिंग्स आर आउट ऑफ आर रीच। इट मे फील एज इफ व्हाट यू वांट इज इम्पॉसिबल टू रिसीव, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। Everything is possible, even if you are asking for a miracle also. Law of attraction, हिंदी में इसको कहते हैं आकर्षण के नियम। इसके अनुसार आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलते रहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आप उसे अपने विचार और अपने कर्मों के अनुसार अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। यानी आप जो हमेशा सोचते हैं वही सच हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समानता से समानता आकर्षित होती है। ऑफन वी डू थिंग्स अनकॉन्शियसली, बट वंस यू मास्टर इट यू कैन कॉन्शियसली क्रिएट द रियलिटी यू वांट। हमारी रियलिटी को मैनिफेस्ट करना यानी जाहिर करना, मतलब अपने दिमाग के छुपी हुई ताकत को पढ़ पाना, और इसको तीन पावरफुल फोर्सेस के ज़रिए हम एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्टली क्लैरिटी यानी स्पष्टता। जब भी हम लोगों को पूछते हैं कि अपने लाइफ में आप क्या चाहते हैं, वो जनरली बताते हैं कि हमें तो बस खुश रहना है। बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन योर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। आपको पता होना चाहिए आपको लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है, या ऐसी कौन सी चीज़ आपके लाइफ में होने से आप खुश हो सकते हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम लीजिए और फिगर आउट कीजिए आपको क्या क्या पसंद है अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज़ में। तो उससे ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपके माइंड के थॉट प्रोसेस में आ जाएगी, एंड यू विल मोर लाइकली टू अट्रैक्ट द राइट पीपल, प्लेसेस एंड रिसोर्सेज टू मेक दोज थॉट्स अ रियलिटी। तो ब्लेस पास्कल ने कहा है, क्लैरिटी ऑफ माइंड मीन्स क्लैरिटी ऑफ पैशन टू। दिस इज व्हाई अ ग्रेट एंड क्लियर माइंड लव्स आर्डेंटली एंड सीज डिस्टिंक्टली व्हाट इट लव्स। अपने किसी एक लक्ष्य को निर्धारित करिए जो कि आपको नेक्स्ट ईयर तक अचीव करना है, और अपने उस गोल या लक्ष्य के बारे में जितना डिटेल से डिस्क्राइब कर सकते हैं करते जाइए। अपने पांचों सेंसेस के ज़रिए आप महसूस करिए, देखिए, सुनिए, एक्सपीरियंस कीजिए कैसा लगेगा जब आप अपने उस टारगेट या गोल को अचीव कर लेंगे फ्यूचर में। और यही इमोशनल वाइब्रेशनल स्टेट जो इस एक्सपीरियंस से जनरेट होगा, यही एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ आपकी गोल या लक्ष्य को आपकी ओर आकर्षित करेगा। दूसरा, रिटन वर्ड या लिखे हुए शब्द। रिसर्चर्स का मानना है कि जो लोग अपने गोल्स को लिख के रखते हैं, वो लोग ऑन एन एवरेज 33% ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उन लोगों के मुकाबले जो लोग सिर्फ अपने सोच में ही लक्ष्य या गोल्स को रखते हैं। ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। क्यों ना आप 5 मिनट समय निकालें और अपने सबसे इंस्पायरिंग गोल्स को क्लियर और डिटेल्स में लिखें, एंड बूस्ट योर मैनिफेस्टिंग पावर बाय 33%। तीसरा, ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। इस वर्ड के पीछे एक हिडन मिस्ट्री भी है। एक बहुत फेमस कहावत है कि जिसके पास जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड रहता है उनको लाइफ में बहुत कुछ सफिशिएंट मिलता है, बट जिनके पास ग्रैटिट्यूड नहीं रहता उनके पास जो कुछ भी रहता है वो भी छिन जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले एक सिंपल सा रूटीन फॉलो कीजिए लिखने का, किसी भी 5 व्यक्ति या चीज़ें या सिचुएशन जिसके लिए आप आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड विल पॉजिटिवली शिफ्ट योर पॉजिटिव एनर्जी इंस्टेंटली एंड क्लियर आउट एनी नेगेटिविटी दैट हैज़ एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द डे। सो आई जस्ट होप यू ऑल टू गिव दीज टिप्स अ टेस्ट ड्राइव एंड ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.